बुलंदशहर में 1 करोड़ की घूस लेने का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐश्वर्य अत्री के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। आपको बता दें कि ऐश्वर्य अत्री जीएसटी विभाग के इंटेलिजेंस विंग में इंस्पेक्टर पद पर गाजियाबाद में तैनात हैं। ऐश्वर्य के घर पहुंचने पर सीबीआई की टीम को सिर्फ अत्री के बुजुर्ग माता पिता ही मिले। वहीं बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ऐश्वर्य अत्री के घर पर करीब 3 घंटे तक खोजबीन करती रही। आपको बता दें कि गाजियाबाद में गिरफ्तार हुए मोहित धनकर ने सीबीआई को ऐश्वर्य अत्री के 1 करोड़ के रिश्वत के मामले में शामिल बताया था। तो जीएसटी विभाग के इंस्पेक्टर पर आरोप लगा है 1 करोड़ की घूस लेने का। बुलंदशहर का एक पूरा मामला है जहां पर सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐश्वर्य अत्री के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। आपको बता दें कि ऐश्वर्य अत्री जीएसटी विभाग के इंटेलिजेंस विंग में इंस्पेक्टर पद पर गाजियाबाद में तैनात थे। ऐश्वर्य के घर पहुंचने पर सीबीआई की टीम को सिर्फ अत्री के बुजुर्ग माता पिता मिले हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ऐश्वर्य अत्री के घर पर करीब 3 घंटे तक खोजबीन करती रही। बुलंदशहर से मेरे सहयोगी अरुण यादव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ऐश्वर्य अत्रे के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है, 3 घंटे तक खोजबीन करती रही। मैडम, बताया ये जा रहा है कल पुलिस सीबीआई ने रेड डाली थी। कल खुर्जा के पास इनका घर है, घर पर 3 घंटे तक रेड हुई है और रेड में माता पिता घर पर मौजूद मिले हैं और वहां पर बताया ये जा रहा है कि वो अपने बच्चों के साथ फरार हो गए थे। यानी जो आरोप यहाँ पर लगाया गया है मोहित धनकर जो कि गाजियाबाद में गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने ये आरोप लगाया है ऐश्वर्य अत्री पर कि 1 करोड़ की रिश्वत उन्होंने ली है। तो यानी वो आरोप सही साबित हो रहे हैं अगर वो फरार है तो? मैडम, अभी आधिकारिक तौर से कोई पुष्टि नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई या सीबीआई की तरफ से कोई पुख्ता जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। लेकिन मोहित धनकर के द्वारा कल गाजियाबाद में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने आरोप लगाया और ऐश्वर्य अत्री का नाम लिया जिसमें कि 1 करोड़ की धांधली सामने देखने को मिल रही है। बिल्कुल, इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है अरुण कि जब सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची उनके घर पर तो वहाँ पर बुजुर्ग माता पिता मौजूद थे। क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है? क्या कहना है उनका? बातचीत से इतनी हो पाई है कि अभी हमारे सामने काम में कोई ऐसी सूचना देकर वो नहीं गए हैं, बस ये बताया गया है कि वो काम से गए हैं। लेकिन ऐसी कोई माता पिता ने कोई पुख्ता जानकारी उन्होंने भी नहीं दिया सीबीआई को। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जीएसटी विभाग के इंस्पेक्टर के घर पर छापेमारी की गई, सीबीआई ने 3 घंटे तक छापेमारी की है। दरअसल गाजियाबाद में जीएसटी विभाग में ऐश्वर्य अत्री तैनात थे और गाजियाबाद में तैनात रहते वक्त मोहित धनकर जो कि गिरफ्तार वहां से किए गए हैं, उन्होंने सीबीआई को जानकारी दी कि ऐश्वर्य अत्री ने 1 करोड़ की रिश्वत ली है। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने छापेमारी की। छापेमारी में अब तक कुछ हाथ नहीं लगा है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो अपने परिवार के साथ यानी कि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन उनके जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो घर पर ही मौजूद हैं। बुलंदशहर और गौतमबुद्ध नगर स्थानीय प्राधिकरण प्रत्याशी सीट से बीजेपी से एमएलसी प्रत्याशी चुने गए नरेंद्र भाटी ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले नगर सिकंदराबाद से विधायक लक्ष्मीराज भी मौजूद रहे। बुलंदशहर और गौतमबुद्ध नगर से आरएलडी की एमएलसी प्रत्याशी सुनीता शर्मा ने भी इस दौरान अपना पर्चा दाखिल किया।